बरेली पुलिस ने 19 जुलाई को हुई महिला की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर महिला की हत्या के खुलासे का दावा किया है। पुलिस की माने तो महिला की नाजायज संबंध की वजह से गला दबाकर हत्या की गई थी। आरोपी के बारादरी इलाके के नवादा शेखन में रहने वाली महिला से 2 साल से अवैध संबंध थे। महिला के बारे में पता चला है कि उसके कई व्यक्तियों से नाजायज संबंध थे और वो फूल सिंह से आर्थिक मदद लिया करती थी, अक्सर उसके घर जाया करती थी। पुलिस के मुताबिक मृतिका आरोपी को ब्लैकमेल करती थी और 19 जुलाई को उसके घर पर आई हुई थी। आरोपी उसे गाड़ी पर लेकर घूमने जा रहा था, तभी वो महिला जो कि नशे में थी और गाड़ी से गिरकर घायल हो गई। आरोपी को लगा कि अगर लोगों को उसके बारे में पता चला तो उसकी बदनामी होगी, जिस वजह से उसने महिला की गला दबाकर हत्या कर दी और शव उल्ला जागीर गाँव के सड़क के किनारे फेंक दिया। जब महिला का शव मिला था तो उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी, लेकिन मीडिया में खबर आने के बाद उसके पति ने उसकी शिनाख्त की। पुलिस ने जब महिला के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली तो पता चला कि उसकी आरोपी से अक्सर बात हुआ करती थी। पुलिस के मुताबिक जब आरोपी को पकड़कर उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस कस्टडी में हमारे ऊपर क्या बीता क्या नहीं बीता वो हमें ही जानते हैं। तुम अपनी बात घटनाक्रम बताओ ना कैसे। जब वो आदमी लेके आखिरी में एक महिला की लाश मिली थी जिसमें कि पुलिस को सर्विलांस और अन्य मदद से पता लगा कि महिला के पिछले 1.5-2 साल से एक व्यक्ति है उनसे संबंध थे और वो महिला उस व्यक्ति को थोड़ा पैसे वगैरह मांगती थी ब्लैकमेल करके। तो जो कातिल है उसने महिला को अपने घर पे बुलाया और घर पे जब बुला के जब वो वापस बाइक से जा रहे थे तो रास्ते में महिला जो कि नशे में थी तो बाइक से गिरी, उसके पैर में भी चोट आई। उसके बाद क्योंकि जो व्यक्ति है उसको ये लगा कि अगर ये बात समाज को पता लगेगी मेरी छवि खराब होगी, तो जो कातिल है उसने उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसमें एक ही व्यक्ति है और उस व्यक्ति ने उसका गला दबा के उसकी हत्या की है। कितने टाइम से इसके संबंध से और पिछले लगभग 2 सालों से इस व्यक्ति के उस महिला से संबंध थे। किस तरह से ब्लैकमेल कर रही थी क्या? जो महिला थी उससे अक्सर खर्चे और पैसा मांगा करती थी और इसके बाद जब इसने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है तो इसने उसको घर पे बुला के रास्ते में उसकी हत्या की। किस तरह के